हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी समोसे की चाट रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 3 समोसे। समोसे की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो इन्हें हम अच्छी तरह से फोड़ लेंगे। इन्हें बनाने में हम कोई भी मटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर छोले या फिर मटर को भी डाल सकते हैं। अब हमने इन्हें फोड़ लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज, टमाटर या फिर जो भी आपको पसंद हो। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। इसमें और भी टेस्टी फ्लेवर लाने के लिए हमने यहाँ पर लिया खट्टा मीठा दही। तो दही में हमने हल्का सा काला नमक, नॉर्मल नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसको तैयार किया था, चीनी डालकर। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा दही डल गया है। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो कि मैंने होममेड घर में ही बनाकर तैयार की है। तो ये सारी चटनी मैंने पहले ही अपने चैनल में बता चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे सेव भुजिया या जो भी फेवरेट आपकी भुजिया हो आप इसके ऊपर डाल दें। ये चाट झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, बनाने में आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी। और जब चाहें तब आप इसे बना सकते हैं। इसको आपको बनाने के लिए कोई भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रकार के सेव डाल दिए हैं। इसके ऊपर थोड़े से हम और दही चटनी और डाल देंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अगर आप भी इस तरह से बनाकर खाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसके ऊपर भी हमने फिर से डाल दिया है प्याज, टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, नमक या और भी अदर मसाले मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि सारी चीज़ों में नमक और मसाले ऐड हैं। अगर एक्स्ट्रा डालेंगे ना तो ये थोड़ा ज़्यादा नमक वाला बन जाएगा। और आप अपने हिसाब से इसमें चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा और इंस्टेंट बनने वाला समोसा चाट। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।